नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी M51 और यह है M52। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही फोन में जो बैटरी लेवल है 100% है। हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं दोनों के बीच में जो फीचर्स है, क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं M51 में जो आपको M52 में नहीं मिलेंगे, और कौन से फीचर ऐसे है जो आपको M52 में मिलेंगे लेकिन M51 में नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम करेंगे दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट। हम यहाँ पे गिगबेंच 5 को एंतु सीपीयू थ्रॉटलिंग को यहाँ पे रन करेंगे, फिर यहाँ पे फाइल को कॉपी पेस्ट करेंगे, अनजिप जिप करेंगे और एक वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे। देखेंगे कौन सा फोन अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ हम लास्ट में चेक करेंगे कि जो बैटरी ड्रेनिंग है किसमें किस तरह से हुई है, जो हीटिंग है वो भी किस तरह से हुई है दोनों फोन में, वो भी हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले। तो एक टाइप से फीचर्स और परफॉर्मेंस कंपेरिजन का टेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें, जो यहाँ पे दोनों ही फोन में जो वाईफाई है सेम है, ब्राइटनेस फुल है, वॉल्यूम भी यहाँ पे मैक्सिमम है दोनों में, और यहाँ पे जो फोन है M52 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे 60 हर्ट्ज पे यहाँ पे सेट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हम यहाँ पे जो बैटरी ड्रेनिंग कंपेयर करेंगे तो एमएच के टर्म्स में करेंगे, परसेंट के टर्म्स में नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 7000 एमएच की बैटरी और इसमें 5000 एमएच की बैटरी। हालांकि यहाँ पे प्रोसेसर है M51 में स्नैपड्रैगन 730G, और यहाँ पे जो M52 है उसमें है स्नैपड्रैगन 778G। एक ये 4G फोन है और ये एक 5G फोन है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम फीचर्स के कंपैरिजन की। तो देखते हैं ऐसे कौन से फीचर्स है जो आपको M51 में देखने मिलते हैं लेकिन M52 में देखने नहीं मिलते। M51 में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है, इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी नहीं मिलती, आपको यहाँ पे मिलती है ओनली 5000 mAh की बैटरी। इसके अलावा M51 में है 3.5 mm का हेडफोन जैक, तो आप यहाँ पे वायर्ड हेडफोन्स का यूज कर सकते हो, लेकिन M52 में कोई भी यहाँ पे 3.5 mm जैक नहीं है, मतलब आप यहाँ पे वायर्ड ईयरफोन्स का यूज नहीं कर सकते, आपको ब्लूटूथ हेडफोन ही यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको टाइप सी टू 3.5 mm जैक वाला जो अडेप्टर होता है उसे यूज करना पड़ेगा वायर्ड हेडफोन्स को यूज करने के लिए। M51 में यहाँ पे 4 कैमरा है, यहाँ पे 3 कैमरा, 4 कैमरे में से यहाँ पे डेप्थ कैमरा 5 MP का जो एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे M52 में डेप्थ कैमरा आपको नहीं मिलता। इसके अलावा M51 में इनबॉक्स 25 वोल्ट का चार्जर आपको मिल जाता है, लेकिन M52 में इनबॉक्स आपको ओनली 15 वोल्ट का चार्जर ही देखने मिलता है। दोस्तों ये थे फीचर्स जो आपको M51 में देखने मिलते हैं लेकिन M52 में देखने नहीं मिलते। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसा फीचर लगता हो जो आपको M51 में देखने मिलता है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स की जो M52 में है लेकिन M51 में नहीं है। दोस्तों M52 एक 5G फोन है और यहाँ पे 11 5G बैंड सपोर्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर में अगर 5G अवेलेबल होता है तो आप 5G का यूज कर सकते हो इस फोन में। इसके अलावा इसमें मिलता है आपको CS सपोर्ट, कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आपको मिल जाता है, 4G प्लस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। डिस्प्ले में यहाँ पे होता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, जो आपको M51 में देखने नहीं मिलेगा, स्मूदर एक्सपीरियंस आपको ज्यादा देखने मिलेगा यहाँ पे। इसमें है फुल UI जो आपको इसमें देखने नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पे जो नोक्स है वो भी यहाँ पे फुल फ्लेज है, इससे बेहतर नोक सिक्योरिटी आपको इस फोन में देखने मिलेगी। इस फोन में है सैमसंग पास और सैमसंग पे। इसके अलावा इसमें है बिग्सबी ओएस, बिग्सबी रूटीन्स, रूटीन्स प्लस। कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा में यहाँ पे 1080p फॉर्मेट में आप 60fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, M51 में आप नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रो वीडियो का भी सपोर्ट है, M51 में नहीं है। इसके अलावा कैमरा में यहाँ पे फन मोड जो आपको M51 में देखने नहीं मिलेगा। M52 में आप गुड लॉक के फीचर्स को यूज कर सकते हो और काफी अच्छे से अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हो। और इस फोन में है वीडियो एडिटर का फीचर, आप यहाँ पे कोई भी जो वीडियो है काफी अच्छे से एडिट कर सकते हो बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने मिलती है लेफ्ट स्क्रीन जो M51 में देखने नहीं मिलती, लेकिन M52 में यहाँ पे गूगल डिस्कवर और सैमसंग फ्री दोनों मिल जाते हैं देखने के लिए। किड्स मोड का सपोर्ट भी है M52 में, कॉल एंड टेक्स्ट ऑन अदर डिवाइस भी है। इसका मतलब है कि आप टैबलेट पे अगर कॉल रिसीव करना चाहते हो इस फोन के जरिए तो आप ऐसा कर सकते हो M52 में। वीडियो कॉल के दौरान आप जो वीडियो इफेक्ट्स है, वीडियो कॉल इफेक्ट्स, उसका भी यूज कर सकते हो, आपको ये फीचर मिलता है एडवांस फीचर में। रैम प्लस का फीचर भी है। इसके अलावा गैलरी में कलर मिक्स का फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जो M51 में नहीं है। और लिंक टू विंडोज ऑफिशियली यहाँ पे सपोर्ट करता है, मतलब आप अपने पीसी पे अपने फोन को कास्ट करके एप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो अपने पीसी से ही। और इजी मोड का भी आपको यहाँ पे फीचर मिलता है जो M51 में आपको देखने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इतने फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं M52 में जो आपको M51 में देखने नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे गिगबेंच से, हम यहाँ पे 2 बार गिगबेंच को रन करेंगे।
दोस्तों यहाँ पे M52 में Geekbench 5 पहले कंप्लीट हुआ था, और यहाँ पे बात करोगे स्कोर की तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे M52 में मैक्सिमम मतलब ज्यादा है। बात करेंगे सिंगल कोर की तो यहाँ पे 538 और यहाँ पे 770, अगर आप देखोगे डिफरेंस तो ऑलमोस्ट 240 जितना डिफरेंस है। और यहाँ पे मल्टी कोर में भी आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 1000 जो स्कोर है उसका डिफरेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पावरफुल ज्यादा है कंपेयर करेंगे M52 के मुकाबले M52। तो यहाँ पे और एक बार हम रन करेंगे, देखेंगे क्या स्कोर आता है और एक बार फिर से। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे पहले कंप्लीट हुआ है M52 में, और स्कोर भी आप देख सकते हो यहाँ पे, स्कोर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 का डिफरेंस है, 230 का सिंगल कोर में। और एक बार फिर से यहाँ पे मल्टी कोर में अब ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 स्कोर का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा देखने मिलने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि M51 में मुझे परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिल रहा है तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे तो आपको और ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिलने वाला है, स्कोर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पे हम करेंगे सीपीयू थ्रॉटलिंग को रन 15 मिनट के लिए। दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट के लिए सीपीयू थ्रॉटलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे बात करते हैं स्कोर की तो आप यहाँ पे देख सकते हो M51 में जो स्कोर है मैक्सिमम 130 के GIPS है, और यहाँ पे M52 में है मैक्सिमम 227 के GIPS, और एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 127 के और यहाँ पे 220 के, और मिनिमम 112 के और 211 के। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इसमें ज्यादा है, और सीपीयू थ्रॉटलिंग यहाँ पे 95-95 दोनों में यहाँ पे सेम तरीके से हुई है, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोनों ने। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे इसका डिस्प्ले जो है ज्यादा ब्राइट लग रहा है, इसका थोड़ा डल लग रहा है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि इसमें जो ये कलर टोन है इस डिस्प्ले का, ये वार्मर साइड है, और इसका डिस्प्ले जो इसका टोन है जो एक कूलर साइड पे है। दोस्तों यहाँ पे हम कर लेते हैं टेम्परेचर को चेक, तो यहाँ पे M51 में है 36.8 और यहाँ पे M52 में है 39। तो यहाँ पे डेफिनेटली M52 जो है ज्यादा हीटअप हुआ है सीपीयू थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस ज्यादा मिला है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी ड्रेन की, तो यहाँ पे M51 में हुई है 420 mAh बैटरी ड्रेन, और यहाँ पे 350 mAh बैटरी ड्रेन, और यहाँ पे कम बैटरी ड्रेन हुई है, क्योंकि ये जो M51 है भले इसमें 7000 mAh की बैटरी है लेकिन अब ये एक साल पुराना हो चुका है, इसलिए वेयर एंड टियर होता है बैटरी में एक साल के बाद, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। लेकिन अब के हिसाब से बैटरी ड्रेनिंग यहाँ पे कम हुई है, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप भी अच्छा मिल रहा है। दोस्तों अब करते हैं एंटूटू बेंचमार्क को रन। दोस्तों यहाँ पे स्कोर आ चुका है, और यहाँ पे पहले कंप्लीट हुआ था M52 में, यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो 286 के है और यहाँ पे 490 के है, मतलब ऑलमोस्ट 200 के यहाँ पे ज्यादा है। सीपीयू जीपीयू मेमोरी यूएक्स यहाँ पे सभी में यहाँ पे ज्यादा स्कोर मिले है इसे। दोस्तों तो हम एक बार फिर से इसे रन करेंगे और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे बैटरी ड्रेन और टेम्परेचर। दोस्तों यहाँ पे दूसरी बार कंप्लीट हो चुका है एंटूटू बेंचमार्क, और यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हो और एक बार फिर से यहाँ पे 200 के ज्यादा मिले हैं स्कोर। यहाँ पे देखोगे आप सीपीयू जीपीयू यहाँ पे डबल का स्कोर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं टेम्परेचर को, तो यहाँ पे M51 में अब है 37 है और यहाँ पे है 35.8 मैक्सिमम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा मिलने वाला है M52 में थैंक्स टू स्नैपड्रैगन 778G। दोस्तों बात करते हैं बैटरी ड्रेनिंग की, तो M51 में हुई है 700 mAh की बैटरी ड्रेन
और M52 में हुई है 700 mAh की बैटरी ड्रेन, दोनों में ही 700 mAh बैटरी ड्रेन हुई है सेम तरीके से जब मैंने यूज किया है दोनों को। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक फाइल को रेंडर करेंगे काइन मास्टर में जिसकी साइज 1 GB होगी, देखेंगे कौन से फोन में पहले कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो हम दोनों को करेंगे एक्सपोर्ट 1080p फॉर्मेट में 30 FPS और यहाँ पे बिटरेट 8.5 Mbps, हम करेंगे सेव एज वीडियो स्किप। दोस्तों 1 GB की जो फाइल है वीडियो एक्सपोर्टिंग यहां पे कंप्लीट हो चुकी है और M51 में लगे हैं 7 मिनट और यहां पे M52 में लगे हैं 8 मिनट, मतलब यहां पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। दोस्तों अब हम यहां पे करने वाले हैं स्टोरेज टेस्ट, तो यहां पे दोनों में UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप है, देखते हैं कौन से फोन में ज्यादा स्टोरेज स्पीड है। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो यहां पे स्कोर ऑलमोस्ट डबल का मिला है स्टोरेज स्पीड में, मतलब आप यहां पे कॉपी पेस्ट जिप अनजिप करना डबल स्पीड में कर सकते हो। जो यहां पे देख सकते हो रीड स्पीड भी यहां पे डबल है, राइट स्पीड भी यहां पे ट्रिपल है ऑलमोस्ट, और यहां पे रैम जो स्पीड है वो भी यहां पे डबल है। तो यहां पे काफी अच्छी स्पीड मिलेगी आपको स्टोरेज स्पीड में M52 में। अब यहां पे हम इसे प्रैक्टिकली चेक करेंगे, तो हम यहां पे जो फाइल है इन दो फाइल्स को जिनकी साइज यहां पे करीबन है 2.5 GB, तो हम दोनों को यहां पे करेंगे कॉपी, देखेंगे कौन से फोन में पहले पेस्ट होता है। तो हम करेंगे यहां पे कॉपी और यहां पे करेंगे इंटरनल स्टोरेज में कॉपी हियर। दोस्तों तो देखा आपने यहां पे M52 में यहां पे फास्ट हो चुका है, डबल्स की स्पीड में यहां पे पेस्ट हो चुका है फोल्डर में। दोस्तों अब करते हैं हम एक फाइल को अनजिप, देखते हैं कौन से फोन में जो एक्सट्रैक्शन स्पीड है वो फास्टर है। तो यहां पे फाइल है, सेम फाइल है 1.4 GB, यहां पे हम करेंगे एक्सट्रैक्ट और यहां पे एक्सट्रैक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हो यहां पे 80% था, तब यहां पे 100% हो चुका है। तो जिप अनजिप करने के मामले में भी यहां पे जो M52 है फास्टर है। दोस्तों अब हम यहां पे करेंगे 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग 10 मिनट के लिए, देखेंगे कौन से फोन में ज्यादा हीटअप होता है फोन और बैटरी ड्रेन किस में ज्यादा होता है। तो हम यहां पे करेंगे दोनों को एक साथ स्टार्ट। M51 में अब यहां पे है 41.2 है यहां पे, और यहां पे है 37.1 है मैक्सिमम, 37.2 है। और बैक में अगर बात करेंगे यहां पे M51 की तो 41.9 है, ऑलमोस्ट 42 है, और यहां पे है बैक में 37, तो 38 है यहां पे मैक्सिमम। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यहां पे M52 ज्यादा हीटअप होता नहीं है, आप यहां पे देख सकते हो। और दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप जो कैमरा है रोटेट कर सकते हो बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक M52 में, M51 में आप नहीं कर सकते ऐसा। दोस्तों यहां पे लास्ट में बात कर लेते हैं बैटरी ड्रेनिंग की, तो M51 में अब है यहां पे बैटरी लेवल 85%, मतलब 15% बैटरी ड्रेन हुई है। अगर बात करेंगे mAh की तो यहां पे अब बैटरी ड्रेन हुआ है 1050 mAh, और बात करेंगे M52 की तो बैटरी लेवल है 81%, मतलब 19% बैटरी ड्रेन हुई है, और 19% का मतलब होता है mAh में 950 mAh, 1050 950। तो यहां पे बैटरी ड्रेन M52 में कम हुआ है, लेकिन M51 जो है एक साल पुराना है फिर भी इतना बैटरी बैकअप देना काफी बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से M51 ने भी यहां पे काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है बैटरी बैकअप के मामले में। लेकिन हाँ, भले आपके फोन में 5000 mAh की बैटरी है फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम बैटरी बैकअप आपको मिल रहा है, और ये हो रहा है स्नैपड्रैगन 778G की वजह से, जो ज्यादा पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू 730G या फिर अदर कोई जो प्रोसेसर है 7 सीरीज के उसके मुकाबले। और मैं कह सकता हूं कि M52 एक अच्छा अपग्रेड है
M51 का। हालांकि बैटरी कम है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया स्नैपड्रैगन 778G है, पावर एफिशिएंट है, आपको अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगी। तो ऐसा मत समझना कि 5000 mAh की बैटरी मतलब काफी कम है। कई सारे फोन में, वन प्लस की बात कर लेते हैं, वन प्लस के फोन में, किसी भी फोन में 5000 mAh की बैटरी के ऊपर कोई भी फोन है ही नहीं, फिर भी लोग परचेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 5000 mAh की बैटरी है तो इसे लोग परचेस नहीं करेंगे, तो ऐसा सोचना गलत है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।